डॉक्टर को जब चेक कराने गए, कुछ ऐसे ख्याल में भी नहीं था, घर में भी मैंने चेक नहीं किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम होप भी थी जब मैंने आपको शेयर किया था, तब इतने बार चेक किया था और हमेशा डिसअपॉइंटमेंट थी, तो इस बार मैंने चेक भी नहीं किया कि फिर से वही प्रॉब्लम होगी। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आप प्रेग्नेंट हो और हार्ट बीट भी आ चुकी है। तो सनी भी नहीं थे यहाँ पे, अम्मी के साथ गई थी, आके बताया, तो काफी ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र, खुश हो गए थे सब लोग। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मतलब सब कुछ ठीक है। मतलब होप ही नहीं थी हार्मोनल इम्बेलेंस और पीसीओएस के बाद कि ये, बस हम इस चीज की दुआ करते थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रीटमेंट लगेगा, पीसीओडी जिनको होता है हो और जाते हैं। और हम सारे लोग दुआ भी करके आए थे, उम्र में भी, और सब लोग दुआ करते थे, सबके लिए दुआ करी थी, लेकिन होप इतनी नहीं थी, इसलिए चेक भी नहीं किया था। और कितना 6 वीक्स हो चुके थे, डॉक्टर ने बोला कि आप 6 वीक्स प्रेग्नेंट हो और हार्ट बीट भी आ गई है, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद 2 दिन बाद से क्या होने लगा कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और जब वो ब्लीडिंग थोड़े दिन हो गई, फिर एक बार हम स्कैन के लिए गए, डॉक्टर ने दवा चालू कर दी कि उससे ठीक हो जाता है, आपका हाथ दुख रहा होगा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं इसलिए ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने एकदम प्रॉपर बेड रेस्ट बोला है, थोड़े बस 5 सिर्फ वॉशरूम के लिए ही इतना बोला है। तो क्या हुआ कि ईद के चांदात के और ईद के आसपास की जो बातें, काफी लोग कह रहे थे सब तैयार क्यों नहीं हुई है, सबको अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहे थे। तो बात ये थी कि कोई भी इंसान है, जो लोग माँ बने होंगे, रिलेट करेंगे या प्रेग्नेंट होना चाह रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि आपके एक तो होप नहीं होती कि आपको हार्मोनल इम्बेलेंस से पता नहीं क्या होगा, अचानक से आपको पता चलता है कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी खुशी दे दी है, आप सब कुछ अच्छा है, आप खुश हो, उस चीज को अभी मतलब इंजॉय भी नहीं कर पाए थे, सर यहाँ भी नहीं पाए थे, और उससे पहले ब्रीदिंग चालू होती है, पहले थोड़ी तो डॉक्टर ने दवा दे दी कि उससे ठीक हो जाता है, नहीं रोका, डोज बढ़ाया, नहीं ठीक हुआ, स्कैन के लिए गए, तब तक डॉक्टर बोल रहे थे ठीक है, ऐसे होते होते, खैर मतलब आप लोगों को ज्यादा डराओ नहीं, अभी भी मतलब सब कुछ ऐसे ठीक है, बेबी ठीक है, लेकिन जो लास्ट स्कैन में, लास्ट ईद के जो 2-3 दिन के डेज थे ना, इसलिए जब भाई ने ब्लॉग बनाया था उस दिन काफी ज्यादा ब्लीडिंग थी, इसलिए और इमोशनल वो हो गया। कमेंट्स ये है, अब इन सब चीजों से अब मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, जब से मैं उमरा करके आई थी तो इन लोगों ने सबने, आप लोगों ने, भाई भाभी सबने, रिश्तेदारों ने ये समझाया था कि इन सब चीजों को इतना दिल पे मत लो, मैं दिल पे नहीं लेती, लेकिन उस दिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी और संडे था तो कहीं पे भी चेकिंग पे भी नहीं जा सकते थे, तो इस वजह से ज्यादा वो एकदम से होता है ना कि वो हो गया, बाकी बस ये है कि टेंशन नहीं होगा। लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि अभी ठीक है, उस चीज का अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं साथ में है, बस डर वो बना हुआ है, उसकी वजह से मुझे एंजाइटी, उसकी वजह से मुझे धड़कन तेज, उसकी वजह से मेरा बीपी जो है वो हाई है, और जो बेबी की हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे है, तो उसकी वजह से थोड़ा डर है, क्योंकि डॉक्टर ने 15 दिन बोले हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, बस आप लोग से यही की दुआ करिए, बस डॉक्टर ने इतना बोला था कि हाँ वो ग्रो तो कर रहा है बेबी, बस ये है कि हार्ट बीट ऊपर नीचे, लेकिन आप 15 दिन बाद स्कैन करेंगे, और ब्लीडिंग अभी भी है थोड़ी थोड़ी, उतनी नहीं है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन जितने बार भी देख लो तो बहुत ज्यादा वो सब चीजें हो जाती हैं, तो बस इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे रोना आ रहा है, इसी वजह से मेरा घबराहट है, तो बस यही आप सबसे शेयर करना था। हाँ, तो आपके साथ बस यही शेयर करना था।